नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद की आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, जिसको लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो माफिया अतीक अहमद पर आज सुनवाई होगी, एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आई है कि अतीक की पूरी रात बेहद ही डर में बीती है। पूरे डर के साए में अतीक अपनी पूरी रात गुजारते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने जेलर से ये भी कहा कि मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूं, मैं बाहर घूमना चाहता हूं, जिसके बाद यह अंदेशा लगा सकते हैं कि अतीक किस हद तक डर में है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नंदलाल प्रयाग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक की पेशी होनी है, किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं आपको? आज अतीक अहमद मामले में सुनाई करेगा, वहीं पर अभी अतीक अहमद को थोड़ी देर में वहां से हो कोर्ट के लिए रवाना होंगे। यहां पर देखा जाए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अपने कैमरा मैन बताना चाहूंगा कि वो दिखाएं कि यहां पर सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था किया गया है, चार चौकन किया गया है। वहीं पर यहां पर जो दो गेट हैं, दोनों गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और देखा जाए सबसे चक्के पर पुलिस बल के जवान मौजूद हैं। नंदलाल, सुरक्षा के इंतजाम तो पुख्ता कर दिया, लेकिन तकरीबन कितनी गाड़ियां रहेंगी जब अतीक को कोर्ट लाया जाएगा? अभी तक जो कह सकते हैं यहाँ पर अधिकारी गाड़ियां रहेंगी और उनके जाने वाले लोग भी रहेंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल पांच पांच बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनके समर्थक भी हैं, लेकिन प्रशासन चाह रहा है कि शांति कोर्ट है, उनकी पेशी हो और फालतू लोग उनके समर्थक अपने आज करके प्रशासन यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी बनाए हुए है। बिल्कुल नंदलाल, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन अब बता दें कि अब फैसले की घड़ी निकट आ चुकी है, जिसके बाद अतीक की जो चिंताएं हैं वो भी अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आज अतीक को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। महज अब से थोड़ी ही देर में अतीक को पुलिस नैनी जेल के बाहर लेके निकलेगी, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में आज अतीक को पेश किया जाएगा। आपको बताते चले कि साल 2006 के अपहरण के मामले में, उमेश पाल के अपहरण के मामले में आज अतीक को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अतीक पांच बार विधायक और एक बार सांसद भी रहे हैं, और अतीक शायद पहले सांसद ऐसे रहे हैं जिनको भगोड़ा तक घोषित कर दिया था। वहीं अब अतीक अहमद के गुनाहों का आज हिसाब भी हो सकता है, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि आज इस मामले पर जो है कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, जिसके बाद अतीक का जो डर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात की अगर बात करें तो अतीक जेल के अंदर भी सुकून से नहीं सो पाए, क्योंकि वो जो उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे उनसे ये कहते हुए दिखाई दिए, ये कहते हुए सुनाई दिए कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ठंडी हवा में सांस लेनी है, मुझे खुले आसमान के नीचे घूमना है। तो अतीक पूरी रात बेचैन रहे। वही अतीक द्वारा जेलर से ये भी पूछा गया कि क्या मेरा भाई अशरफ आ चुका है, तो अतीक का डर हम साफ तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि अतीक ऐसे माफियाओं की लिस्ट में शुमार है जिनमें 100 से ज्यादा मुकदमे तो दर्ज है, लेकिन आज तक उनको किसी भी मामले में सजा नहीं सुनाई गई है। तो वहीं आज फैसले की घड़ी है। तो एक बार फिर से एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर से नंदलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदलाल, बस अब से महज कुछ ही देर में अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट लाया जाएगा, उनकी पेशी होगी। यहाँ पर सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था किया गया है और यहाँ पर प्रशासनिक हमला भी है और यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। देखते ही अतीक अहमद काफिला यहाँ पर पहुंचे करेगा। मैं अपने दर्शकों को लाइव तस्वीर दिखाऊंगा किस प्रकार से किसी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को आज एमएलए को पेश किया जाएगा। अधिवक्ता और जो जज है जिस केस की सुनवाई करेंगे वो कोर्ट परिसर पहुंच चुके हैं या फिर उनके आने में अभी थोड़ा समय है? जी, अभी जो भी अधिवक्ता है कोर्ट पहुंच चुके हैं, अपील करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि सुनवाई के बाद हम मीडिया से बात करेंगे।
तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो ऐसे में कितने पुलिसकर्मी लगभग लगाए गए होंगे और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथों है? देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी की बात की जाए तो यहाँ पर जिले के जितने भी आला अफसर हैं और सभी थानों की फोर्स को यहाँ पर वीआईपी ड्यूटी लगाया गया है, क्योंकि अतिक्रमण की आने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और देखा जाए तो भारी सुरक्षा कर्मी यहाँ बड़ी फोर्स लगाई गई है और सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद किया गया ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न होने पाए, क्योंकि जिस प्रकार अतीक अहमद माफिया का नाम मीडिया से लेकर पूरे प्रदेश में चल रहा था, उससे प्रशासन के भी हाथ पांव फूल रहे हैं, कोई सुरक्षा त्रुटि न होने पाए। बिल्कुल नंदलाल, आप इस वक्त एमपीएम वाले कोर्ट के बाहर मौजूद है, हमें एक बार एमपीएम वाले कोर्ट की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो मीडिया है वो वहाँ पे मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है। जी जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एमपीएम वाले कोर्ट आपका कोर्ट ये है, तो आपको मकान दिखाई पड़ रहा है, यही मतलब सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया। यहाँ पर मीडिया भारी भरकर मीडिया भी है और सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। ये आपका गेट नंबर एक था, गेट नंबर दो मैं आपसे लेकर रहा हूँ और मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखा जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और भारी संख्या में फोर्स भी है, अधिवक्ता भी हैं और मीडिया हब बन चुका है, कोने कोने से मीडिया कर्मी आए हुए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के काफी व्यवस्था किया गया है। मैं अपने कहना मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप दिखाइए कि यहाँ सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था किया गया है। तो हम तस्वीरों के जरिए समझ सकते थे कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो पुलिसकर्मी है वो पूरी तरीके से तैनात है। लेकिन नंदलाल, यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है लेकिन आज तक किसी मामले पर उनको सजा नहीं हुई, तो आज क्या लगता है कि सजा हो जाती है तो वहाँ की जो स्थिति है वो कैसी रहेगी? अभी ये कहानी सच्चा है, फिलहाल प्रोप्रवाही से खबर आ रही है और लोगों में चर्चा है कि जिस प्रकार से उनको पर धारा है आपसे कभी पता नहीं हो पाई है, इनको आजीवन कारावास सजा हो सके ऐसा उसके द्वारा जानकारी मिल रही है और लोगों की बात सुनने से चर्चा भी होती है। लेकिन समस्या की बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं और रोजा समस्या हो रहे हैं तो भगवान से उनका सहायता पर। बिल्कुल, तो नैनी जेल से पवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आप नैनी जेल के बाहर इस वक्त मौजूद और अब से थोड़ी ही देर में अतीक को जेल से बाहर लाया जाएगा, वहां की स्थिति कैसी है अभी? जी बिल्कुल मुस्कान, बीते कल देर शाम को जब अतीक अहमद और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है और कल से ही नैनी सेंट्रल जेल की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। एक बार मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, देखिए ये वो तस्वीर है, अंदर ये पुलिस कर्मी है और ये जो अंदर आपको दो तस्वीरों में दिख रही हुई इन दोनों प्रिजन वैनों में, एक प्रिजन वैन में अतीक अहमद को बैठाया जाएगा जबकि दूसरे प्रिजन वैन में अशरफ को ले जाया जाएगा। हालांकि अगर नैनी सेंट्रल जेल से और एमपीएमएलए कोर्ट की दूरी की बात की जाए तो करीब 7 से 8 किलोमीटर है और पुलिस द्वारा रूट को जो है वो निर्धारण कर लिया गया है कि किस रूट से अतीक और अशरफ को एमपीएमएलए कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो मतलब कहा जा सकता है कि करीब 10 से 12 मिनट में नैनी सेंट्रल जेल से अतीक और अशरफ एमपीएमएलए कोर्ट में पहुंच जाएंगे। तो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई और अगर बात की जाए प्रिजन लाइन की, जिस प्रिजन लाइन से अतीक और अशरफ को ले जाया जाएगा इसमें भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और प्रिजन लाइन के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा है और सीसीटीवी कैमरे की जो मॉनिटरिंग है वो डीजी जेल लखनऊ द्वारा की जा रही है। तो बिल्कुल तस्वीरें साफ तौर पे दिख रही हैं कि कितनी सुरक्षा और कड़े सुरक्षा के बीच अतीक और अशरफ को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिस तरीके से पूरे देश की निगाहें आज इस फैसले पर टिकी हुई हैं, तो करीब 17 साल बाद अतीक के ऊपर पहली बार आरोप सिद्ध होगा और पहली बार अतीक को सजा सुनाई जाएगी। तो मतलब अतीक का जो साम्राज्य है, अभी तक अतीक के साम्राज्य में अतीक के ऊपर किसी भी मामले में सजा नहीं सुनाई गई थी, ये पहली बार होगा जब अतीक के ऊपर सजा का ऐलान होगा। लेकिन जो सूत्रों के हवालों से खबर आई कि जो बीती रात थी अतीक की वो बहुत ज्यादा डर में बीती, तो कैसे बीती अतीक की बीती रात? जी बिल्कुल, चूंकि अतीक को इस सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, वहाँ की तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की तस्वीरें सामने आई थी, अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाने की तस्वीरें
आई थी, तो उन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अतीक और अशरफ के चेहरे पर कितना डर देखा गया और कितना खौफ है। चूंकि जिनका जो साम्राज्य था, कहा जाता था कि अतीक और अशरफ का साम्राज्य ऐसा था कि लोग जो है इनके आतंक से लोग डरा करते थे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यवाही अतीक और अशरफ को किस तरीके से डर के साए में रखी हुई है। अगर बात करें अतीक और अशरफ की, तो बीती देर रात जब नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया, उसके बाद से अतीक और अशरफ के चेहरे पर साफ तौर पर वो खौफ देखा गया, साफ तौर पर वो डर देखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक इनके ऊपर कार्यवाही कर रही है। जिस तरीके से बीती रात गुजरी है, तो कहा जा रहा है कि अतीक और अशरफ ने डर के साए में अपनी रात गुजारी है। और इसी नैनी सेंट्रल जेल में अतीक का बेटा अली जो रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद है, तो मतलब तस्वीरें ये भी है कि एक जेल के अंदर बाप बेटा और भाई है, लेकिन अलग अलग बैरकों में रखे गए हैं और इन तीनों की एक दूसरे से ना सामना होगा ना ही बात होगी। तो साफ तौर पे ये संदेश है अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों का क्या हश्र होगा। जी मुस्कान, बिल्कुल नंदलाल, जैसा कि अभी पवन ने बताया कि नैनी जेल से MPML कोर्ट लाने में तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। MPML कोर्ट के बाहर तो पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के, लेकिन जो रास्तों में किस तरीके से सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, इसके लिए क्या कुछ पुलिस की रणनीति है? और वहाँ पर उनका रूट उनको प्रशिक्षित किया गया है। उस बात को लेकर के रास्ते में सुरक्षा कर्मी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर तैनात, ताकि नैनी सेंट्रल जेल और MPML कोर्ट आने में अभी दामद और उनके भाई असर किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए, इस बात को लेकर के अधिकारी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफी भाग दौड़ कर रहे हैं और ऑलरेडी पेट्रोलिंग गाड़ी कर रही है। पवन, आप इस वक्त नैनी जेल के बाहर मौजूद और बस अब से थोड़ी ही देर का समय बचा है, तो क्या नैनी जेल के अंदर किस तरीके से हलचल बढ़ती हुई जा रही है? जिस प्रिजन वैन से अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है और इसी प्रिजन वैन से अतीक और अशरफ को दो अलग अलग प्रिजन वैन आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, इन दोनों प्रिजन वैन में अलग अलग अशरफ और अतीक को बैठाकर MPML कोर्ट ले जाया जाएगा। अगर इस प्रिजन वैन के अंदर सुरक्षा की बात की जाए, तो पुलिस कर्मी के साथ इस प्रिजन वैन में करीब 4 लेयर है जो सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और अंदर CCTV कैमरा लैस है। मतलब ये जो CCTV कैमरा, ये भी कहा गया कि ये कैमरा DG जेल लखनऊ द्वारा इसको मॉनिटर किया जा रहा है, कि मतलब तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि अतीक अहमद के एक एक हरकत को प्रशासन नजरों में बनाए हुए है और अतीक अहमद को जिस तरीके से करीब 1300 किलोमीटर के लंबे सफर के बाद प्रयागराज लाई है, उसी तरीके से सुरक्षित MPML कोर्ट में भी ले जाएगी। तो तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि पुलिस और प्रशासन के कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की टीमों के साथ LIU की टीमें भी होंगी जो सादे कपड़ों में प्रयागराज के तमाम स्थानों पर होंगी, जिन रास्तों से अतीक अहमद को MPML कोर्ट ले जाया जाएगा। मतलब साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रही हैं कि अतीक अहमद को कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच MPML कोर्ट में ले जाने की तैयारी की गई है। जी बिल्कुल पवन, 11 बजे अतीक को पेश किया जाना है और तकरीबन 10:30 होने को है, कितनी देर में अतीक को जेल से बाहर निकाला जाएगा, क्या कुछ बातें सामने आई हैं? उसे कहा जा रहा है कि करीब 12:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। प्रयास लगाया जा रहे हैं कि करीब 11:30 बजे के आसपास अतीक अहमद को उनको नैनी सेंट्रल जेल से निकाल कर MPML कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। तो मतलब कहा जा सकता है कि करीब 12 से 12:30 के आसपास ये जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और जो तमाम जो पीड़ित लोग हैं जो अतीक के साए में जी रहे थे उनको एक खुशी भी मिलेगी और इस पुलिस की जो कार्यशैली है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो न्यायपालिका है, इस पर भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा। क्योंकि अगर विगत कई वर्षों की बात की जाए तो अतीक का जो साम्राज्य था, अतीक का जो खौफ था, वो लोगों के सर पे साफ तौर पर देखा गया था। अतीक जो गुर्गे हैं वो उनकी जो इस तरीके की ये आपराधिक घटनाएं हैं वो भी सामने देखने को मिली थी। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, खासकर से पूर्वांचल के लोगों के लिए एक राहत बड़ी खबर होगी कि करीब 17 साल बाद
अतीक के ऊपर यहाँ पर इस मामले की सुनवाई होगी और पहली बार अतीक के ऊपर सजा का ऐलान किया जाएगा। तो निश्चित रूप से तस्वीरें साफ तौर पर अपराधियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है और जिस तरीके से आज आतिक अहमद को कोर्ट ले जाने की तैयारी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और तमाम यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी वो सुबह से ही निरीक्षण कर रहे हैं। जिस बैरक में अतीक अहमद को रखा गया है उसको हाई सिक्योरिटी बैरक बनाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस बैरक में अतीक अशरफ को रखा गया है उसमें तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरे तथा बॉडी वॉर्न कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। उस पूरे सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग लखनऊ डीजी जेल के द्वारा की जा रही है। तो साफ तौर पे तस्वीरें दिखा रही हैं कि कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी मुस्कान नंदलाल, अब खबरें ये सामने आ रही है कि जज जो है वो कोर्ट पहुँच चुके हैं, क्या अपडेट है? यही जो अदालत है जहाँ सुरक्षा कर्मी किया गया है और विनोद संस्कृति आज अपनी कामत के साथ फैसला करेगी क्योंकि अभी तक अधिकारियों अपनी कामत के ऊपर कोई ऐसा सुनवाई नहीं हुआ था जिससे कि उसको पता हो सके, लेकिन वह घड़ी आ चुकी है जो कि देखा जाए तो न्यायपालिका पर लोगों की निगाह टिकी हुई है और लोगों का भरोसा है कि न्यायपालिका का कोई फैसला आएगा वह जनता के लिए आएगा, समाज के लिए आएगा। पवन, ये वही अतीक है जिसकी तूती पूर्वांचल में बोलती थी, जिस पर 100 से ज्यादा केस तो है, 100 से ज्यादा मुकदमे तो हैं, लेकिन किसी भी एक में आज तक सजा नहीं सुनाई गई और आज जब ऐसे में अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो पूर्वांचल के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि पहली बार किसी ऐसे माफिया को जो विधायक भी रहा है, जो सांसद भी रहा है, उसे पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि जो तस्वीरें अभी कई वर्षों पहले देखने को मिली थी प्रयागराज, अतीक का खौफ लोगों के चेहरों पर देखा गया था। तमाम ऐसे अपहरण, हत्या, फिरौती मांगने के मामले सामने आए थे, चाहे वो अतीक की बात करें और चाहे अतीक के भाई अशरफ की बात करें। अतीक के ऊपर करीब 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और वही अतीक के भाई अशरफ के ऊपर 50 से ज्यादा अधिक बड़े आपराधिक मामले के मुकदमे हैं और इसी जेल में बंद अतीक का बेटा अली उसके ऊपर भी जिम्मेदारी मांगने जैसा गंभीर मामला है। तो मतलब साफ तौर पर तस्वीरें कि अतीक का जो पूरा कुनबा है वो अपराध का गढ़ कहा गया है और इस पूरे अपराध के गढ़ में अतीक के पूरा कुनबा जो है, अभी हाल ही में अतीक के परिवार के जो जितने भी गुर्गे हैं या अतीक के जितने भी करीबी हैं, अतीक का जो बेटा अशरफ जो उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य रूप से सामने आया है, उसने 24 फरवरी को उमेश पाल को जिंदाहारे गोली और बम मारकर मौत से घाट उतार दिया। तो तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से अतीक का खौफ जो है पूरे प्रयागराज और पूर्वांचल में लोगों के लिए बना हुआ था। तो एक बड़ी खबर है लोगों के लिए कि आज उसी अतीक के ऊपर पहली बार सजा का ऐलान होगा और ये लोगों के लिए एक राहत बड़ी खबर भी कही जाएगी। जी बिल्कुल पवन, गाड़ियां जो है वो अब जेल के बाहर लगती हुई नजर आ रही हैं और कुछ ही देर में अब से अतीक को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो क्या अतीक और अशरफ दोनों को एक साथ बाहर निकाला जाएगा या फिर बाहर निकालने के समय में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, एक और मैं आपको पहले ये तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है और ये आपको दो प्रिजन मैन यहाँ पे दिख रहे होंगे, तमाम पुलिसकर्मी भी हैं, पुलिस का अधिकारी भी हैं और ये जो दोनों प्रिजन वैन है, ये बताया गया है कि एक प्रिजन वैन में अशरफ को ले जाया जाएगा जबकि दूसरे प्रिजन वैन में अतीक अहमद को। हालांकि अगर बीते कल की बात की जाए तो बीते कल देर शाम को जब अतीक और अशरफ को अलग अलग जेलों से प्रयागराज लाया गया था तो अतीक और अशरफ के जो आने का जो समय था वो करीब 1 घंटे का अंतराल था, लेकिन यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाना है तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जो दोनों प्रिजन वैन है वो एक साथ निकलेंगे। हालांकि थोड़ी सी दूरी जरूर होगी और पुलिस द्वारा तमाम वो मार्ग को चिन्हित कर लिया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं, जिन रास्तों से अतीक और अशरफ को MP MLA कोर्ट में ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ बात शाइस्ता की भी करनी बहुत जरूरी है क्योंकि आज अतीक को कोर्ट में पेश किया जाएगा, अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाएगा और शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की लेडी डॉन बताई जा रही है। तो क्या शाइस्ता परवीन का कोई अपडेट मिल पा रहा है कि क्या वो आज बाहर निकल के सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद जहां अभी तक कुछ दिनों तक चर्चा में बनी रही लेडी डॉन शाइस्ता परवीन बीते 2 दिनों से पूरी तरीके से जो है गायब है। हालांकि पूरी मीडिया और पूरी मीडिया जगत लगातार अतीक और अशरफ के बारे में बातें कर रहा है और उस लेडी डॉन को भूल चुका है जो आतंक का नया पर्याय प्रयागराज के लिए बना है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दिनों में अभी तक शाइस्ता परवीन का पुलिस कुछ पता नहीं लगा पाई और जिस तरीके से आज अतीक को लेकर पूरे देश की निगाहें हैं, ऐसे में लेडी डॉन के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं से जानकारी जुटाने में लगी हुई है।
देखिए एक और ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये दूसरी ये प्रिजन वैन यहाँ पे लाई गई है और ये प्रिजन वैन इसलिए रखी जाती है कि दो प्रिजन वैन में अतीक और अशरफ को ये देखिए खास तस्वीरें हैं और ये प्राइम टीवी के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसी प्रिजन वैन में इसको सुरक्षात्मक दृष्टि से रखा जाएगा, इसके अंदर किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था चार लेयर यहाँ पे बनाया गया, अंदर वो सीसीटीवी भी है जिसमें किसी भी हरकत को देखा जा सकता है। तो मतलब तस्वीरें देखिए एकदम साफ तौर पर दिख रही है, उनके अधिकारियों की हलचल यहाँ पे बढ़ गई। तो तस्वीरें बता रही हैं कि अभी कुछ ही दिन में पूरे देश की नजरों में ये बने हुए इस फैसले की घड़ी वो सामने है और जल्द ही इस पूरे फैसले का इंतजार जिसको पूरे देश को है जल्द ही मिलने वाला है। तो साफ तौर पे ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का क्या हश्र होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो बिल्कुल साफ बात है, जो सबसे बड़ा सवाल अभी सामने था आखिर शाइस्ता परवीन है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि आखिर लेडी डॉन आतंक का पर्याय बनी शाइस्ता परवीन आखिर कहाँ है। हालांकि आतंक सहित तमाम जो आरोपी हैं उनमें जब ये फैसला आएगा तो निश्चित रूप से शाइस्ता परवीन इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं से जानकारी ले रही होंगी। लेकिन जिस तरीके से आतिक अहमद को जब साबरमती जेल से लाया जा रहा था तो ऐसे में आतिक अहमद की बहन वो मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने इस पूरे घटना को लेकर इनकाउंटर का जो है उन्होंने बात की थी और उनको डर सता रहा था कि आतिक का इनकाउंटर भी किया जा सकता है। तो निश्चित ये सवाल बड़ा है कि आखिर इतने बड़े घटनाक्रम में सामने आई मुख्य रूप से लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का अभी तक पुलिस पता क्यों नहीं लगा पाई है। जी कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो क्या लगता है कि इस कार्रवाई से ये समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में एकदम एक्शन मोड पे आ चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर बीते 24 फरवरी को घटना की बात की जाए तो उसके बाद दूसरे दिन ही योगी आदित्यनाथ ने सदन में जोर देकर कहा था कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को मिट्टी में मिला दूंगा। हालांकि अगर घटना की बात की जाए तो करीब एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि जितने चेहरे सीसीटीवी कैमरे या अन्य माध्यम से सामने आए थे वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हालांकि पुलिस ने पूरे घटना के दो आरोपियों को अलग अलग स्थानों में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है, लेकिन वो जो मुख्य चेहरे सामने आए थे वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। तो निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर कैसे है? बिल्कुल पवन, लगातार हलचल बढ़ती जा रही है और जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही है। तो एक बार आप फिर से नैनी जेल के अंदर की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि अब से महज कुछ ही देर में कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को एमपीएमएल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आप दर्शकों तक एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं। एक बार मैं आपको और ये तस्वीरें ये देखिए, ये चौथी प्रिजन वैन आपको तस्वीरों में दिखेगी, ये चौथी प्रिजन वैन है जो अब सेंट्रल जेल के अंदर प्रवेश करने वाली है। और मैं आपको पहले मैंने दो तस्वीरें दिखाई थी जिनमें दो प्रिजन वैन पहले से आई थी और ये देखिए इसमें पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा भी आपको दिखेगा। और ये सुरक्षा के पांच लेयर हैं जिसमें बैठाए जाते हैं वो अपराधी और इसके अंदर की जो हलचल है वो पूरी तरीके से देखी जाती है। देखिए ये तस्वीरें हैं और ये चौथी प्रिजन वैन आपको तस्वीर में दिख रही होगी जो नैनी सेंट्रल जेल के अंदर पहुंच चुकी है। हालांकि अतीक और अशरफ को दो अलग अलग प्रिजन वैन में बैठाया जाएगा और उनको एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से दो और प्रिजन मैन यहां पर आ चुकी हैं। तो तस्वीरें दिख रही हैं किस तरीके से, हालांकि पूरे घटना में अभी तक एक और नाम सामने आया था जो 2007 में मुकदमा लिखा गया था धूमनगंज थाना क्षेत्र में, इसमें अतीक अशरफ के सिवा एक और बड़ा नाम सामने आया था जिसका नाम फरहान बताया गया है जो चित्रकूट जेल में बंद था, उसको भी कल सेंट्रल जेल में लाया गया है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि पूरे घटना के दौरान करीब 10 नाम सामने आए थे और उन 10 आरोपियों में एक की मौत हो चुकी है। 9 लोगों को आज एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसमें एक फरहान भी है। तो ये जो चौथी प्रिजन वैन है ये भी कहा जा रहा है कि फरहान को भी एक अलग प्रिजन वैन में बैठाया जाएगा और एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रही हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पे जो है देखा जा सकता है कि पुलिस की टीमें किस तरीके से आपको सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है। और कुछ ही देर में अतीक अहमद तथा अन्य सेंट्रल जेल से निकालकर एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिस
घड़ी का इंतजार पूरे देश को है, कुछ ही मिनट बाद उस फैसले की घड़ी सामने आने वाली है। जी मुस्कान, बिल्कुल। तो मुकदमों का शतक लगाने वाले अतीक अहमद को आज जब नैनी जेल से एमपीएमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा, तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 7 से 8 किलोमीटर तक की ये दूरी है जहां पर उनको कोर्ट लेके जाया जाएगा, ऐसे में जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, लेकिन तकरीबन कितनी गाड़ी, कितना काफिला होगा पुलिस का जो उनको एमपीएमएलए कोर्ट लेके पहुंचेगा? जी बिल्कुल, अगर तस्वीरों की बात कर रहे हैं तो अभी तक करीब यहाँ पर 4 प्रिजन वैन देखी गई है और पुलिस के आला अधिकारी भी हैं, तो कयास लगाया जा रहा है करीब दर्जन भर गाड़ियाँ जो है वो अतीक अहमद और अशरफ के साथ जाएंगी। हालांकि ये अभी तक नहीं स्पष्ट हो पाया है कि किस कौन कौन से अधिकारी साथ होंगे, लेकिन जिस तरीके से एमपीएमएलए कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस काला अधिकारी सुबह से ही भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि करीब दर्जन भर गाड़ियां अतीक अहमद, अशरफ तथा अन्य आरोपियों को यहाँ से ले जाएगी और पुलिस ने वो रूट भी निर्धारित कर लिया जिस रूट से यहाँ से कोर्ट ले जाया जाएगा और करीब यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है और करीब 15 मिनट में पुलिस यहाँ से कोर्ट पहुंच जाएगी। तो ऐसे में पुलिस तमाम जो रास्ते हैं जहाँ पर ट्रैफिक जो है लग सकता है वहाँ पर पुलिस की टीमें तैनात है और उस रास्ते को पूरी तरीके से साफ कराया, क्लियर कराया जाएगा कि ताकि आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी हो, किसी तरह की कोई अपनी घटना ना हो। ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और जल्द ही वो घड़ी सामने आने वाली है जिसको पूरे देश का इंतजार है। जी बिल्कुल पवन, अगर देखा जाए तो जो बीते दिनों खबरें निकल के सामने आई, जैसे कि आपने जिक्र किया कि काफी डरे हुए थे अतीक बीती रात को, वहीं उन्होंने ये भी पूछा कि क्या अशरफ जेल में आ गया है, तो अभी तक दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन आज जब पेशी के दौरान दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो क्या लगता है? जी बिल्कुल, वही तस्वीर मायने रखती है और वही तस्वीर देखने लायक होगी कि जब अतीक और अशरफ एक साथ कोर्ट में होंगे तो उनके चेहरे देखने लायक होंगे और वही तस्वीर लोगों के लिए एक बड़ा संदेश भी होगी। जो लोग अतीक और अशरफ के आतंक के डर के साए में जी रहे थे और आज जब पहली बार अतीक के ऊपर सजा का ऐलान होगा तो निश्चित रूप से लोगों के लिए एक राहत भरी खबर भी कही जाएगी कि आखिर इतने बड़े माफिया डॉन पर आज पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फैसला सुनाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है। तो निश्चित रूप से वो तस्वीर देखने लायक होगी जब अतीक और अशरफ एक साथ कोर्ट में पेश होंगे। जी बिल्कुल पवन, जिस तरीके से एक माफिया और एक हत्यारे ने पहले तो राजनीति में एंट्री ली और अगर आज जब उसी बड़े गुंडे माफिया या यूं कहे कि नेता को सजा मिलेगी, तो ऐसे में क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करेगी यूपी सरकार या हमारी न्याय प्रणाली? अगर अभी आपने राजनीति की बात की तो बीते कल जब अशरफ को बरेली जेल से लाया जा रहा था तो एक वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में अशरफ ने कहा था कि डर उन्हें लगे जो अपराधी हैं, हम तो राजनीतिक हैं। लेकिन अगर इनके पूरे अपराध की बात की जाए और इनके पूरे जो साम्राज्य की बात की जाए तो बताइए शतकों का जो शतक लग चुका है इनके अपराध का, इनके अपराध की घटनाओं का और इनके मुकदमों का, तो निश्चित रूप से ये किस राजनीतिक की बात कर रहे हैं। और इन्होंने कहा था, अशरफ ने उस दौर में उस वीडियो में ये कहा था कि इन्हें मौत का खौफ नहीं है, खौफ उन्हें होना चाहिए जो अपराध करते हैं। आखिर इतने बड़े साम्राज्य को किस तरीके से चलाया जा रहा था और करीब 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर जबकि करीब 50 से ज्यादा मुकदमे अशरफ के ऊपर, जबकि अतीक के जो बेटे हैं, जो अतीक का बेटा है यहाँ अली जेल में बंद है, उसके ऊपर भी रंगदारी मांगने जैसा एक गंभीर आरोप है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक का पूरा कुनबा अपराध में पूरी तरीके से लिप्त है और अभी जब कुछ देर बाद जब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ये जो तस्वीर है ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि आखिर इतने दिनों बाद जब दो भाई एक सामने होंगे, सोचिए कि किसी जेल में बंद अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ तथा उसका बेटा है, लेकिन आज अपराध के कारण ये तीनों अलग अलग बैरक में है और तीनों एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते। जब ये कोर्ट में पेश होंगे तो निश्चित रूप से वो तस्वीर महत्वपूर्ण होगी। जी मुस्कान, जिस तरीके से नैनी जेल के बाहर इस वक्त हलचल बढ़ गई है और जो पुलिस के अधिकारी है वो भी लगातार अब नैनी जेल के अंदर पहुंच रहे हैं, तो तकरीबन कितना समय और बाकी है जब अतीक को जेल से बाहर निकल के पेशी के लिए एमपीएमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर समय की बात, समय करीब 11:45 बजने को है और कहा जा रहा है कि 12:30 बजे इस पूरे मामले का जो है वो फैसला आना है, तो कयास लगाया जा रहा है कि करीब 11:30 से 12:15 के बीच में अतीक और अशरफ तथा अन्य आरोपियों को यहां से निकाला जाएगा और करीब 12:30 बजे उस घड़ी का इंतजार जिसको पूरे देश को है, पूरे प्रयागराज के लोगों को है, पूरे पूर्वांचल को लोगों का है, करीब 12:30 बजे के आसपास उस फैसले की घड़ी सामने आ जाएगी। तो कयास लगाया जा रहा है कि करीब 12:30 बजे के आसपास अतीक अशरफ सहित अन्य जो आरोपी हैं उनके ऊपर सजा का ऐलान हो जाएगा।
ये तस्वीर साफ तौर पर यहाँ पर दिखा रही है कि अतीक के साम्राज्य पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से कार्रवाई की है। जी धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन लगातार आप हमारे दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहिएगा। तो बड़ा दिन है आज यूपी की राजनीति में, क्योंकि लगातार सबकी नजरें इस खबर पर बनी हुई है कि क्या वाकई में आज अतीक को सजा सुनाई जा सकती है या फिर अतीक को एक नई तारीख मिल सकती है, क्योंकि माफिया ब्रदर्स के गुनाहों का हो सकता है हिसाब हो जाए, क्योंकि अतीक वही नाम है जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज तो हैं लेकिन आज तक किसी भी मामले में सजा नहीं हुई है। वही अतीक अपने बाहुबल के चलते कहीं ना कहीं हर बार लगातार बचता जा रहा था, कभी गवाहों को डरा धमका कर तो कभी उन्हें ठिकाने लगवा कर उसने प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अपने अपराध की धमक और डर को कायम रखा था। और हो सकता है कि आज उनकी जो भी अतीक ने गुनाह किए हैं उस पर उनको सजा मिल सके, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि आज 2006 अपहरण केस मामले में अतीक की पेशी होनी है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है सूत्रों के हवालों से। जो खबर हमको लगातार मिल रही है वो ये है कि हो सकता है कि आज MPMLA कोर्ट अतीक को सजा सुना दे। तो सत्ता में पहुंच के चलते गंभीर आरोप के मामले या तो फिर सरकार ने वापस ले लिए या फिर मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग गया, जिस वजह से अतीक हर बार बचता चला गया। अतीक अहमद वही नाम है जिसकी पूर्वांचल में तूती बोलती थी, हर एक एक बच्चा अतीक अहमद का नाम जानता था और अतीक अहमद पे 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, यानी शतक का आंकड़ा भी अतीक अहमद ने पार किया है, लेकिन अतीक अहमद पर आज तक कोई भी सजा नहीं हुई, यानी कि उन्हें किसी भी मामले में सजा नहीं हुई। तो आज ये बेहद ही अहम दिन है, क्योंकि आज ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अतीक अहमद को सजा मिल जाए। अतीक ने पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा, फिर राजनीति में एंट्री ली, फिर जब उनके गुनाहों का पिटारा खुलने लगा तो गवाहों को डरा धमका कर, गवाहों को मारकर अतीक हर बार बचता चला गया। वहीं अतीक पर हत्या, डकैती, अवैध वसूली, अपहरण, जानलेवा हमले, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट जैसे गंभीर अपराध के मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डकैती के दौरान हत्या, SC ST एक्ट, बलवा, अवैध वसूली, गैंगस्टर एक्ट समेत गंभीर धाराओं में अतीक पर 4 मुकदमे साल 2001, 2003 और 2004 में सरकार ने वापस लिए। इसके अलावा 14 मामलों में गवाहों के मुकरने, साक्ष्य ने जुटने के कारण अतीक हर बार दोष मुक्त होता चला गया। 6 मुकदमों में पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट नहीं लगा दी, तो एक मामले में पुलिस ने अतीक की नामजदगी को गलत बता दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से अतीक जो है वो हर बार बचता चला गया, क्योंकि अतीक एक ऐसा नाम था जो कि पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम कहा जाता था, यही वजह है कि अतीक हर बार बचता चला गया। लेकिन जब मायावती की सरकार 2007 में आई तो अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसके बाद अतीक पर लगातार मुकदमे दर्ज होने लगे, लगातार अतीक के गुनाहों का खुलासा होने लगा, पुलिस के पास अतीक की शिकायतों की फाइलें बढ़ने लगी। तो साल 2007 तक जो अतीक एक बड़ा नाम हुआ करता था, जिस अतीक का नाम लेने से लोग डरते थे और जिस अतीक को पूर्वांचल का हर बच्चा बच्चा जानता था, मायावती की सरकार में अतीक भी डर के साए में जीने को मजबूर हुआ, क्योंकि साल 2007 में जब मायावती सूबे की सत्ता उन्होंने हासिल की तो अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो गई और यहीं से अतीक के बुरे वक्त की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद आज अतीक लगातार मुकदमों में फंसता चला गया। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि इतने सारे मुकदमे हुए, इतने सारे केसेस हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अतीक को आज तक किसी भी एक मामले में सजा नहीं सुनाई गई है। वहीं इमरान प्रताप गढ़ी ने साल 2004 में अतीक के लिए एक शायरी का जिक्र किया था कि तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा, ये एक शायर का दावा है, कभी रद्द नहीं होगा। अलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना, तुम कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। तो ये इमरान प्रताप गढ़ी ने साल 2004 में अतीक अहमद के लिए कहा था। तो वहीं अब अतीक अहमद बुरे फंसते जा रहे हैं।
एक बार फिर से पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, लगातार गाड़ियों का जो पुलिस का काफिला है वो बढ़ता जा रहा है नैनी जेल के बाहर, हलचल बढ़ती जा रही है, अधिकारी पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तकरीबन 11:15 का समय हो चुका है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जी पवन, तो हमारे सहयोगी से हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक आपको बताते चले कि एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक की पेशी होनी है, अशरफ की पेशी होनी है। वहीं अतीक और अशरफ जब से नैनी जेल में आए हैं तब से दोनों का आमना सामना नहीं हुआ है, तो आज पहली बार एक ऐसी तस्वीर निकल के सामने आएगी जब अतीक और अशरफ दोनों एक साथ होंगे, दोनों आमने सामने होंगे, तो एमपीएमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और नैनी जेल से एमपीएमएलए कोर्ट पहुंचने के लिए तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ेगा, जिसको लेकर इन 7 से 8 किलोमीटर के बीच में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पुलिस पूरी तरीके से दुरुस्त है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी। तो आज एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक की पेशी होनी है। एक बार फिर से पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अब से थोड़ी देर में एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी होनी है और नैनी जेल के बाहर की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो जेल के अंदर पहुंच रही हैं, तो और कितना इंतजार करना पड़ेगा जब अतीक अहमद को नैनी जेल से बाहर लाया जाएगा? जी पवन, जो समय अभी निर्धारित किया गया है वो करीब 12:30 के आसपास का है, ऐसे में कयास लगा जा रहे हैं कि 12:00 के आसपास अतीक अहमद, अशरफ तथा अन्य लोगों को सेंट्रल जेल से निकाला जाएगा और एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो जो तस्वीरें हैं वो अभी तक सामने आई हैं, उसमें देखा गया है कि वो प्रिजन वैन भी लाके खड़ी कर दी गई है, जिस प्रिजन वैन से अतीक, अशरफ को अन्य अन्य जेलों से लाया गया था, दो और प्रिजन वैन लाई गई। ये भी कहा जा रहा है कि अपहरण कांड मामले में जो 10 आरोपी थे उसमें एक फरहान नाम का भी आरोपी था जो चित्रकूट के जेल में बंद था, उसको भी नैनी सेंट्रल जेल में लाया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि अतीक, अशरफ सहित फरहान 3 लोगों को यहाँ से एमपीएमएलए कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो तस्वीरें जो है वो सामने अभी तक देखने को मिल रही हैं कि पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पे जो है पूरे सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं और तमाम जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो कयास ये भी लगा जा रहा है कि करीब 12:00 के आसपास अतीक अहमद तथा अन्य जो आरोपी हैं, अशरफ सहित अन्य लोगों को यहां से एमपीएमएलए कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। हालांकि पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य की बात की जाए और अतीक अहमद के पीते दिनों की बात की जाए तो जब अतीक अहमद सांसद था, उसके पहले जब विधायक था, तो जो अतीक का साम्राज्य था, जो काला साम्राज्य कह सकते हैं, वो अभी तक लोगों के लिए खौफ का एक बड़ा विषय बना हुआ था, क्योंकि अतीक के ऊपर करीब 100 से ज्यादा आपराधिक मामले के मुकदमे हैं, जो एक बड़ी बात है। जिस तरीके से एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक की पेशी की जाएगी, तो क्या लगता है कि अतीक का साम्राज्य आज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बीते कार्रवाई की बात की जाए तो अतीक का जो साम्राज्य है उसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ताश के पत्तों की तरह बिखेरा गया है, लेकिन अभी जो अतीक का साम्राज्य बचा हुआ है या अतीक के जो गुर्गे बचे हुए हैं या अतीक के जो मददगार बचे हुए हैं, जब तक उनको पूरी तरीके से जमी दोज नहीं कर दिया जाएगा, उनको पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद नहीं कर दिया जाएगा, तब तक अतीक का कुनबा पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, तो साफ तौर पर तस्वीरें दिख रही हैं कि अतीक का साम्राज्य न कहीं घास के पत्तों की तरह बिखर रहा है। हालांकि ये अभी तक नहीं कहा जा सकता है कि अतीक का साम्राज्य पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से अतीक के साम्राज्य को ही खत्म करने की कार्रवाई है, क्योंकि अतीक का जो साम्राज्य है वो पूरे प्रयागराज और पूरे पूर्वांचल में लोगों के लिए खौफ का जो है कारण बनता था और लोग इससे पीड़ित थे। तमाम ऐसे नाम भी सामने आए, चेहरे भी सामने आए, जिनमें ये भी देखा गया कि अतीक से लोग कितना पीड़ित थे। तमाम ऐसी खबरें सामने आई जहां अतीक के गुर्गे लोगों से सरेआम रंगदारी, अपहरण, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिए हैं। तो कहीं न कहीं ये पूरा घटनाक्रम जो है वो अतीक साम्राज्य को खत्म करने के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात अभी तक जो सामने आई है कि 100 से ज्यादा मुकदमे होने के बाद भी आज पहली बार अतीक अहमद के ऊपर सजा का ऐलान होगा। तो एक बड़ी बात है कि इतने बड़े काले साम्राज्य के अपराधी के ऊपर आज पहली बार यहाँ पर सजा का ऐलान होगा, तो बड़ी बात है। जी,
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विभांशु, नैनी जेल के बाहर की भी तस्वीरें हमने देखी कि हलचल जो है वो पूरी तरीके से बढ़ गई है, क्योंकि अब से महज कुछ ही देर में MPMLA कोर्ट में अतीक को पेश किया जाएगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विभांशु जी, बिल्कुल, आपको बता दें कि आज अतीक अहमद के लिए कहीं ना कहीं आज का दिन अब तक के उसके अगर देखें तो माफिया इतिहास का या राजनीतिक इतिहास का सबसे बुरा दिन है, क्योंकि अतीक अहमद लगभग 20 सालों के अंदर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया और 100 से अधिक घटनाओं में उसे आरोपी बनाया गया। आपको बताएं कि अब पहली बार होगा कि अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। आपको बताएं कि नैनी जेल से हाई सिक्योरिटी व्हीकल के साथ जो यूपी पुलिस है वो नैनी जेल के बाहर पहुंच चुकी है और कुछ ही देर के अंदर नैनी जेल से हाई सिक्योरिटी लैस गाड़ियों के साथ उसके अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज के कोर्ट लाया जाएगा। इसको लेकर आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से पहले से ही आशंका लगाई जा रही है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को, जहां ये अशरफ को बरेली से सड़क मार्ग से लाया गया, अतीक अहमद को 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके गुजरात के साबरमती जेल से लाया गया। इस दौरान आपने देखा कि हथियारबंद सुरक्षा बलों के द्वारा पूरी सिक्योरिटी दी गई। उसके ठीक बाद अब नैनी के जेल से और प्रयागराज कोर्ट तक 10 किलोमीटर का ये फासला है, तो पुलिस पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ सड़कों पर निकलेगी। साथ ही आपको बताएं कि प्रयागराज कोर्ट के अंदर में कहीं ना कहीं एक भारी सुरक्षा बल की तैनाती देखने को मिलेगी। पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक आपको अगर बताएं मुस्कान, तो 300 से अधिक पुलिस बल आज के इस कोर्ट परिसर में जो कार्रवाई के लिए पहुंची जा रही है, अपनी पेशी के लिए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पहुंच रहे हैं, तो 300 से अधिक जवानों को लगाया जा रहा है। आपको बताएं कि पुलिस बल के सूत्रों के मुताबिक अशरफ और अतीक अहमद के करीबियों का जमावड़ा कोर्ट के बाहर लग सकता है, तो इसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि LIU को पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम पर रखा गया है, जिससे कोई अनैतिक ना हो सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि अतीक अहमद को आज विभिन्न धाराओं में आज पेशी होगी, जिसमें लगभग 11 लोग नामजद हैं। और आपको बताएं कि ये मामला 2006 का है, जब उमेश पाल अपहरण का अंजाम अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने दिया था। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 17 सालों के बाद आज कोर्ट में अतीक अहमद किस मामले में सुनवाई है। चूंकि आपको बताया कि अपहरण जिसका हुआ था, जो पीड़ित था उसकी हत्या हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये अपराध और भी संगीन हो चुका है। और देखने वाली बात ये होगी मुस्कान कि जब माननीय जो जज हैं वो जब फैसला सुनाएंगे तो क्या 364B के तहत क्या फैसला देंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर कहीं ना कहीं आज प्रदेश भर की और साथ ही साथ देश भर की इस कुख्यात अपराधी की आज की जो पेशी है, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। आपको बता दें कि कल देर रात जब अशरफ और अतीक अहमद नैनी जेल पहुंचे, तो इन्हें हाई लैस बॉडी वार्मर कैमरे के साथ इन्हें वार्ड में रखा गया। साथ ही आपको बताएं कि इस वक्त अगर बात करें तो माहे रमजान चल रहा है, और माहे रमजान के दृष्टिगत जेल प्रशासन ने अतीक अहमद को खजूर कि अब से महज थोड़ी ही देर में MPMLA कोर्ट में अतीक की पेशी होनी है, तो आज अशरफ और अतीक एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो वो तस्वीरें कैसी होंगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अगर देखें तो आज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ कोर्ट में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और एक लंबे अरसे के बाद दोनों भाई एक दूसरे को देखेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो भाव होता है, क्या उनके चेहरे का भाव बदलता है। क्योंकि बात की जाए मुस्कान, तो आपने कल देखा कि एक तरफ जहां अशरफ सड़क मार्ग के वास्ते प्रयागराज आ रहा था, तो दूसरी तरफ अतीक अहमद अहमदाबाद गुजरात से और प्रयागराज आ रहा था, और दोनों के चेहरे से अगर भाव को देखें तो साफ तौर से दोनों अपराधियों के चेहरे से कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा था, खौफ नजर आ रहा था। क्योंकि अगर बात की जाए तो अतीक अहमद को जब पिछली बार उत्तर प्रदेश लाया गया था, तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उसने कहा था कि योगी जी बहादुर हैं, मगर अब कहीं ना कहीं उनकी बहादुरी
अब इस मामले पे दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो विधानसभा का सत्र चला, बजट सत्र के दौरान आपने देखा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का एक अपने बोल को करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक दल इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं सत्ताधारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जा रहा है कि ये विपक्ष के जो पूर्व में सरकार रही हैं उनके पोषित अपराधी हैं। तो देखने वाली बात ये भी होगी मुस्कान कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इस पर इस मामले को लेकर हमलावर हो रही है। तो विपक्ष का क्या इस पे बयान आता है वो जल्द ही सामने होगा। भी आपने बताया कि हो सकता है कि अतीक के करीबी जो है वो भी एमपीएमएलए कोर्ट के बाहर जाए, तो ऐसे में उमेश पाल की तरफ से आज कोर्ट में कौन जा सकता है और कितने लोग उमेश पाल की तरफ से आज कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगे? जी आपको बताएं कि अगर बात करें तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के तमाम जो परिजन होंगे, सहयोगी होंगे, वो आज कोर्ट परिसर में आएंगे। इसके दृष्टिगत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 300 से ऊपर हथियारबंद सिपाही, तमाम जो सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है। और साथ ही आपको बताएं कि उमेश पाल के वकील और उनके परिजन भी आज कोर्ट पहुंच चुके हैं और पहुंच सकते हैं। इसको देखते हुए अगर बात की जाए तो उमेश पाल के घर को कल देर रात से ही पुलिस की 30 जवान लगाकर उसके घर की सुरक्षा दी जा रही थी और कोई अनैतिक ना हो सके, क्योंकि आपको बताएं कि इस मामले में अब सुनवाई हो रही है और उमेश पाल का जो परिवार है, जो परिवारजन है, उनको कहीं ना कहीं डर था। इसको देखते हुए वहां के कमिश्नर की तरफ से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। आपको बताएं जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी जब तक अतीक अहमद सलाखों के पीछे नहीं होगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पुलिस के जवान उमेश पाल के परिजनों का पूरी तरह से सुरक्षा देंगे। और साथ ही आज जब कोर्ट परिसर में ये दोनों अपराधी, कुख्यात अपराधी, साथ ही साथ 11 और जो अभियुक्त हैं, इन दोनों को लेकर वो जब प्रस्तुत होंगे तो उनके साथ उनके लोग होंगे, साथ ही साथ उमेश पाल के साथ उनके परिजन, कहीं ना कहीं न्याय की अपेक्षा लेकर आज कोर्ट परिसर में आएंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि अब तक अगर देखा जाए तो लगभग 8 जिलों में एक समय था कि अतीक अहमद का लगभग उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में तूती बोलता था और अतीक अहमद के हिसाबों पर ठेका और साथ ही साथ अलग अलग तरह के जो कार्य होते थे वो किए जाते थे। अब बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। और आपको बताएं कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में, देश के माफिया माफी मांगेगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री माफियाओं की मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, उसी क्रम में अगर बात की जाए तो अतीक के जो आपराधिक इतिहास में है उसमें पहली दफा 100 से अधिक केस है और पहली दफा में आज सजा तय की जाएगी। लेकिन विभांशु यहाँ पर यह बहुत अहम हो जाता है कि अगर किसी इंसान पर 100 से ज्यादा केस दर्ज है तो आखिर उसको अभी तक किसी मामले में सजा क्यों नहीं हुई, सजा मिलने में इतना लंबा समय क्यों लग गया? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अगर देखें तो भारत के अंदर में जब एक केस होता है तो केस के बाद तमाम प्रावधान होते हैं, न्याय के तराजू में तौलने में अलग अलग प्रारूपों को ध्यान दिया जाता है। और अगर बात करें अतीक अहमद की तो अतीक अहमद के तमाम जो अगर देखें तो तमाम जगहों पर उसकी पेशी हुई है, जिसमें अगर बात की जाए तो तमाम जगहों पर पेशी के साथ साथ गवाहों को रखा गया है, मगर अब तक उसके केस की जो फाइलें थी वो कहीं ना कहीं दबी हुई थी। अब ऊपर आकर लगातार जहां देखा जाए तो आपने देखा कि सरकार के 6 साल पूरे होने के बाद एक ब्यौरा दिया गया, इसमें कहा गया कि 17,000 से अधिक माफियाओं पे कार्रवाई हुई। अब कहीं ना कहीं जो कोर्ट में शासन की पैरवी होती है वो तेज हो गई है, जिसका नतीजा है कि अतीक अहमद आज डरा हुआ है और सलाखों के पीछे जाने में कहीं ना कहीं अब कुछ ही समय उसको बचा है। अब देखने वाली बात ये होगी मुस्कान कि जब माननीय जज साहब ये फैसला सुनाएंगे तो अतीक अहमद को 364B के तहत कहीं ना कहीं उम्र कैद के साथ साथ फांसी की सजा की भी प्रावधान है। अच्छा विभांशु, अतीक अहमद पर इतनी सारी धाराओं में केस दर्ज हुआ है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण धारा कौन सी है जिसका अतीक अहमद को सबसे ज्यादा डर है? जी अगर बात करें तो अतीक अहमद पर विभिन्न धाराएं सहित उस पे केस हुआ है। अगर बात करें
तो अगर देखें तो 11 अभियुक्तों को अगर जोड़ के देखें तो मुस्कान आपको बताना चाहेंगे 147, 148, 364 बी, साथ ही साथ 323, 341, 342, 504, 506 और साथ ही साथ 120 बी लगा हुआ है। तो इन सब आईपीसी और सीआरपीसी के धाराओं के तहत ये पूरी कार्रवाई होगी और 364 बी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी धारा है और इस धारा तमाम धाराओं को ये कोर्ट का विषय है। कोर्ट अपने तमाम जो पहलुओं को रखता है, सबूतों को रखता है और अपने न्याय के तराजू पर रखकर न्याय सुनाता है, फैसला सुनाता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि तमाम धाराओं में उस पर केस है, इसमें 364 बी को कहीं ना कहीं बड़ा धारा के रूप में जाना जाता है कि वो उसमें आजीवन कारावास और साथ ही साथ फांसी की सजा हो सकती है। तो कोर्ट का विषय है कि कोर्ट तय करेगा कि क्या सजा होगा, मगर जो राजनीतिक माफ करिएगा कानूनी जानकार हैं, जो कानूनी एक्सपर्ट लोग हैं, उनका कहना है कि 364 बी के तहत आजीवन कारावास या फांसी हो सकती है। मगर बात की जाए तो इसमें 11 अभियुक्त हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में अतीक अहमद की पहचान है। अतीक अहमद बिल्कुल विभांशु, साल 2006 के उमेश पाल के अपहरण मामले में तो हो सकता है आज सजा आ जाए, लेकिन जो साल 2023 में उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, बमबारी की गई, सिपाहियों की भी मौत हो गई, उसके आरोपियों को सजा कब तक मिलेगी और शाइस्ता परवीन आखिर कहाँ है, क्योंकि वो इस पूरे मामले की लेडी डॉन बताई जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज अगर देखें तो प्रयागराज में आज से ठीक 35 दिन पहले उमेश पाल हत्याकांड वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं प्रदेश और साथ ही साथ देश की जो निगाहें हैं वो इस केस पर अपनी नज़र लगाए थे। और साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से लगातार अन्य अन्य अगर देखें तो अलग अलग स्टेट में कई टीम जाकर जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है, धरपकड़ की तैयारियों में तेज़ी से की जा रही है। अगर बात करें तो आपने देखा कि अतीक अहमद के पुत्र अरशद जब इस घटना के मुख्य आरोपी के रूप में कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज में दिखते हैं, और साथ ही बात करें तो जो क्वेटा गाड़ी से इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, उस क्वेटा गाड़ी के ड्राइवर का एनकाउंटर किया गया। साथ ही साथ उस घटना में कहीं ना कहीं उस्मान चौधरी नाम का एक व्यक्ति जो इस घटना को अंजाम दिया था, उसका एनकाउंटर हुआ है। साथ ही अगर बात करें तो मुख्य आरोपी सहिस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है और साथ ही साथ इस घटना में लीड कर रहे अरशद की माँ है, तो देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ पुलिस अन्य कई राज्यों में साथ ही साथ नेपाल सहित कई विदेशों में भी अपनी एजेंसियों के द्वारा पता लगा रही है, इनको धरपकड़ कर रही है, मगर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो LIU है और जो पुलिस की टीमें हैं वो अलग अलग पहलुओं को जांच कर परख कर, आपने देखा कि कुछ अभियुक्तों के घर भी गिराए गए, मगर इन जो आरोपी हैं उनका हौसला इतना बुलंद है कि वो अब तक सरेंडर नहीं किए हैं, उनकी तरफ से पूरी सातिर अंदाज में अब तक पुलिस को चकमा देते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आज जब लगभग 12 बजे इस फैसले की सुनवाई होगी, जब कोर्ट का इस सेशन बैठेगी, तो क्या उमेश पाल हत्याकांड मामले को भी इसमें रखा जाता है और 2006 के मामले के साथ आज से ठीक 33 दिन पहले वाले मामले को रखकर क्या कोर्ट अपनी सजा जो फैसला होता है वो सुनाता है, वो जल्द ही आपके सामने होगा। मुस्कान बिल्कुल विभांशु, यहाँ मैं दो मामलों को जरा जोड़ने की कोशिश करूंगी। जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान पर उनकी सदस्यता छीन ली जाती है, लेकिन अतीक 5 बार विधायक भी रहे, 1 बार सांसद भी रहे, आखिर उनको इतने पद क्यों दिए गए, फिर उनको आखिर टिकट कैसे दे दी गई, फिर ये बड़ा सवाल है। बात करें जी बिल्कुल आपको बता दें कि देश के संविधान के अंदर में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने की एक आजादी है, चाहे वो जेल में हो या चाहे वो बाहर हो, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक को अपने चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है, ये संवैधानिक मूल्य है। अगर बात की जाए तो आप राजनीतिक दलों को अगर उठाकर देखें तो बसपा से और सपा से एक गहरा नाता अतीक अहमद का रहा है, और बात करें तो अगर देखें तो अतीक अहमद पे तब तक जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी तरफ से स्पष्टीकरण में कहा जा रहा है कि हम किसी को टिकट देने में क्षेत्रीय चीजों को देखते हैं कि क्षेत्र में कैसा मजबूत है। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह की तरफ से कहा गया कि हम
उस वक्त अतीक अहमद को टिकट इसलिए दिए क्योंकि वो ऐसे कृत्य को अंजाम नहीं दे रहा था। और उसके जो लेकिन विभांशु जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें साल 2001 से लेके 2004 तक अतीक पर कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हर बार या तो गवाहों को धमकाकर या तो फिर पुलिस द्वारा प्रॉपर रिपोर्ट नहीं देने पर सारे मामले रफा दफा कर दिए गए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस मामले को अगर देखा जाए तो अतीक अहमद की राजनीतिक कैरियर को अगर देखें तो फूलपुर से आजाद इंडिपेंडेंट विधायक के तौर पर वो जीत के आया और कहीं ना कहीं राजधानी के अंदर में एक अलग अपनी पहचान बनाया। ठीक, आपको बताएं कि अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल चाहे बसपा की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे किसी दल की बात करें, हर एक दलों में कहीं ना कहीं टिकट देते समय एक क्षेत्र में वर्चस्व देखा जाता है। उस वर्चस्व को देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अतीक अहमद का लाभ तो ली, मगर उसे कहीं ना कहीं जो आरोप लगाया जा रहा है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, उन्हें पोषित किया गया है उसमें कहीं ना कहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आरोप लगाया जा रहा है सत्ता की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, कि पूर्व की पार्टियों द्वारा पोषित अपराधी हैं, उस पर सपा क्या कहती है, बसपा क्या कहती है, वो आने वाला समय बताएगा। मगर पूरी तरह से देखा जाए तो आज प्रदेश और साथ साथ देश की निगाहें अतीक अहमद पर होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल विभांशु, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि लगातार मायावती देश की कानून और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर ट्वीट तो करती है, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन आज भी वो बसपा का हिस्सा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल की तरफ से कहा गया कि अगर उस पर जांच में अगर उसका दोष तय होता है तो हम सहिस्ता समेत तमाम जो अतीक की फैमिली है उसको निष्कासित करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज फैसला हो रहा है जिसमें अतीक अहमद का लगभग कार्रवाई तय है, तो क्या इस कार्रवाई के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती क्या कार्रवाई करती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो उनके पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, हाल फिलहाल में अगर देखें तो विधानसभा चुनाव के दौरान AMIM पार्टी के साथ अतीक अहमद का परिवार नजर आया था, एक मंच पर कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी और साथ ही साथ सहिस्ता परवीन नजर आई हैं और उनके पुत्र अरशद भी एक मंच पर नजर आए हैं। ठीक उसके बाद अगर बात करें तो निकाय चुनाव से ठीक पहले, अभी अगर देखें तो कुछ ही वक्त पहले बसपा के अंदर में अतीक की फैमिली गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बसपा जहां एक तरफ कह रही है कि कार्रवाई अगर होती है और जांच में अगर वो दोषी सिद्ध होते हैं तो हम उन्हें जरूर पार्टी से बाहर निकालेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए चाहे सांसद हो चाहे उस तो बस जिसको लेकर अब जो पुलिस है वो भी पूरी तरीके से प्रयागराज में सतर्क हो गई है, क्योंकि नैनी जेल से MPMLA कोर्ट में अशरफ और अतीक दोनों को ही लाया जाएगा और तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर तक की दूरी नैनी जेल से MPMLA कोर्ट की बताई जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी प्रशासन द्वारा किए गए हैं। तो MPMLA कोर्ट में पेशी होनी है, प्रशासन अलर्ट पर है और आज हो सकता है कि अतीक के गुनाहों का हिसाब भी हो जाए। 2006 में उमेश पाल के अपहरण के मामले में आज उम्मीद जताई जा रही है कि फैसला भी आ सकता है, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की कार्रवाई में साफ तौर पर कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और सपा ने अपने शासनकाल में एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया दिया है। तो वहीं अब अतीक अहमद पर जब कार्रवाई होने लगी तो बीते दिन अशरफ का भी हमने बयान सुना, अशरफ ने कहा हम माफिया थोड़ी हैं, हम राजनीतिक परिवार से हैं। तो आज MPMLA कोर्ट में अब से कुछ ही देर में अतीक और अशरफ की पेशी होनी है, जिसको लेकर हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे ताकि हमारे दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी प्राइम टीवी के माध्यम से मिल सके। हमारी आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।